देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश भर की मंडियों में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जिसके बाद पिछले 5 दिनों से लगातार किसानों की फसल मंडियों में बिक रही है। इसी बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह दावा किया था कि किसानों की फसल का भुगतान इस बार 48 घंटों के भीतर हो जाएगा, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बावजूद अम्बाला शहर अनाज मंडी में फसल बेचने वाले किसी भी किसान को फसल का भुगतान नहीं हुआ है। आलम यह है कि किसान आढ़तियों के पास चक्कर लगाकर भुगतान के बारे में पूछ रहे हैं, जिसका आढ़तियों के पास कोई जवाब नहीं है। किसानों का कहना है कि इस बार धान की फसल पर बेमौसमी बरसात और बीमारी की दोहरी मार पड़ी है, जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। फसल का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें फसल कटाई करने वाली कंबाइन और मजदूरों के पैसे देने हैं। साथ ही अगली फसल की बिजाई की तैयारी के लिए डीजल खाद बीज भी खरीदना है। वही अनाज मंडी के सुपरवाइजर ने बताया कि अभी तक मंडी में 2 लाख क्विंटल धान की आवक आ चुकी है, जिसमें से 1,65,000 क्विंटल की खरीद एजेंसियों की ओर से की जा चुकी है। वहीं इस मामले में जब हमने खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में 1,20,000 टन की खरीद की गई है, जिसमें से 21,000 टन की लिफ्टिंग हो चुकी है। बैंक की छुट्टियां होने के चलते अभी तक किसानों के खाते में पेमेंट नहीं पहुंची है। हेड बैंक को उनके विभाग की ओर से 36 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जल्द ही किसानों के खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। वहीं आढ़तियों का कहना है कि इस बार सीजन बहुत हल्का है, आवक बहुत कम आ रही है। पंजाब की आवक बंद होने के चलते अनाज मंडी खाली पड़ी है। सरकार को सीमांत किसानों की फसल को अनुमति दे देनी चाहिए। अंबाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। गांव मेरा दिन हो गया दिक्कत देवा, देखो पहली तरीक की जीरियां बिकी हुई हैं। अब खेत वाले फसल बढ़वा के लिए किसानों नु तेल वास्ते भी पैसा चाहिए और किसानों नु मशीन वाले भी पैसा मांग रहे, तो किसान कहां से दें? जो आड़ती थे आड़ती का भी तुम्हारे खाते में पैसे आवे, हम कहां से दें? बात उनकी भी सियाणी है, अगर हम थारे इतने दे रहे इसकी जरा जरूर दे रहे अभी बहुत है, तो आरती भी देना चाह रहे ना, बहुत दिक्कत है रही है। और फसल फूसल कुछ नहीं बिका, इनका तो आपने बताया मैंने भी, जिस तरह ये छोटा बड़ा पेडर आ ये बढ़िया किले में थे भी, जिस तरह 100% में 70% तो आम किले में, और नहीं तो बिल्कुल अद्धो आधा मतलब झाड़ कुछ नहीं। फिर कुछ रहता खुद भगवान ने बारिश पैगा और जीरी घेर दी, ये मशीन नहीं कह रही कैन वाली मशीन ले रही है, और 5,000 रुपये घंटा कैन वाली मशीन ले रही है। सरकार से तो यही मांगा अभी जिम्मेदार कुछ मौजा दिया जाए, देखो सरकारों पर हमारी बटवार सरकारों पर, सरकारों ने कहा गया जिम्मेदार तो भी कुछ करो, कुछ मौजा दीजिए कि नहीं। गरीब हाल कोई नहीं पहुंचा, गोवा देखने भी सारी फसल डूब रही है ना, कोई नहीं पहुंचा हाल तो गोवा में कहीं नहीं। मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी, गाँव दुपड़ा से है। सीजन कैसा है? सीजन पिछले साल से हल्का है जी, कारण एक तो छोटे बड़े पेडे की, एक पहले बरसात नहीं हुई, अब बरसात गैर मौसमी बरसात हुई है, इस वजह से झाड़ तो एक तो कम से कम 40% कम है जी। जिम्मेदार को कोई इसका हल करे, मौजा दे, खर्चा तो पिछले साल से भी ज्यादा हुआ फसल के ऊपर ही, तो जिम्मेदार बहुत बेबस है। तो पहली तरीक की आई यहाँ जेरी कराई हुई है जी, अभी तक एक नए पैसा नहीं आया, आते हैं मंडी में बल्लाला जी को पूछ के चले जाते हैं, ने कहने लगे आए नहीं है पीछे से 48 घंटे कहाँ जी, एक हो रहा 48 100 घंटे हो गए उसके, तो 48 घंटे 100 घंटे से भी ऊपर हो गए उसके, तो अभी तक पेमेंट एक पैसा नहीं आया जी, कोई नहीं आया जी, जलपुरा आपका अधिकारी कोई देखने भी नहीं आया अभी तक। अम्बाला शहर अनाज मंडी जीरी की आज दोपहर 12 बजे तक 2,01,705 क्विंटल की आवक हो चुकी है, जिसमें से 1,62,400 क्विंटल की खरीद एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है, और हमारी जो उठान के आंकड़े हैं वो लगभग 51-52% के आसपास से उठान हो चुका है, यानी कि 1,03,000 क्विंटल के लगभग जी। हमारे पास 5 अक्टूबर की शाम तक का रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो उसमें 1,20,000 टन की पूरे डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में परचेज शुरू हो गई है, इसमें से हमने 21,000 टन की लिफ्टिंग कर ली है और हमारा पेमेंट भी आज से शुरू हो गया है DFSC की तरफ से। अब हम उसमें पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा 48 आवर्स में लिफ्टिंग एंड 72 आवर्स के अंदर में पेमेंट डायरेक्ट किसानों के खातों में चली जाए। बैंक हॉलीडेज के चलते हमारे अभी तक पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाई थी कल तक, लेकिन आज से हमने पेमेंट डालना शुरू कर दिया है, तो हमारी तरफ से लगभग 36 करोड़। सीजन इस बार झाड़ की वजह से हल्का ही रहने की संभावना हो रही है,
फसलों पे कई तरह की मार पड़ गई पहले, और दूसरा ना यहाँ पंजाब की आवक हो रही, तो मंडी खाली जैसी है, लगभग 25% के करीब माल आ लिया मंडी में, ढीला रहेगा इस हिसाब से, झाड़ काम है इस बार। मैं देखो 6-7 दिन हो गए आज खरीद को, एक किसान की भी पेमेंट नहीं आई, 25 आदमी कम से कम फसल बेच के मेरे पास, अब ये बैठे हैं पेमेंट के बारे में पूछ रहे हैं आपके सामने, आप इनसे पूछ सकते हैं, किसी की एक पेमेंट भी अभी तक नहीं आई, सरकार खोखले वादे कर देती है और वो हमारे गले पड़ते हैं आके। लिफ्टिंग ठीक हो रही है, चलो लिफ्टिंग की तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।